नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियो में ये मंदिर देख रहे हैं, ये है मंदिर बाबा मोहन राम काली खोली मंदिर। इस मंदिर के बारे में मैंने बाबा मोहन राम पार्ट वन वीडियो में बता चुका हूँ। पार्ट वन वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी है कि काली खोली धाम कैसे जाएँ, कैसे दर्शन करें और क्या इतिहास था उस मंदिर का, श्री बाबा मोहन राम जी कैसे प्रकट हुए, ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने वीडियो पार्ट वन में दे चुका हूँ। और पार्ट वन की वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन लोगों ने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट टू में मैं आपको बताऊँगा दो अद्भुत और सुंदर बाबा मोहन राम मंदिर के बारे में। राजस्थान के भिवाड़ी शहर में बाबा मोहन राम जी के तीन मंदिर हैं। जो पहला मेन मंदिर है वह है श्री बाबा मोहन राम जी काली खोली धाम, जिसके बारे में मैंने वीडियो के पार्ट वन में बता चुका हूं। दोस्तों, इस पार्ट टू की वीडियो में मैं आपको वो दो अन्य मंदिरों के बारे में बताऊंगा। जो भक्त काली खोली धाम बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं वो इन दोनों मंदिरों में भी दर्शन करते हैं। ये तीनों मंदिर दोस्तों 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। तो आइए दोस्तों मेरे साथ बाबा मोहन राम के दो अन्य मंदिरों के भी दर्शन करें। दोस्तों, मैं बाबा मोहन राम मंदिर काली खोली धाम के दर्शन करने के बाद यहाँ के शेयरिंग टेम्पू से मैं बाबा मोहन हरिनाथ मंदिर पहुँचा, जो भिवाड़ी के हरिनाथ चौक के किनारे स्थित है। दोस्तों, काली खोली धाम से इस मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है। आप चाहें तो वॉक करके पैदल भी आ सकते हैं। शेयरिंग टेम्पू में भी अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। नॉर्मल किराया है 10 रुपये पर पर्सन। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बाबा हरिनाथ चौक। ये दोस्तों हरिनाथ चौक है, ऑटो टेम्पू वाला आपको यहीं उतारेगा। यहीं चौक के किनारे दोस्तों मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, यह मंदिर है। मंदिर पर लिखा भी है दोस्तों, बाबा मोहन राम हरिनाथ मंदिर आलमपुर। दोस्तों, आप देख सकते हो कितना सुंदर ये मंदिर है। इसका गेट देखिए दोस्तों, इसका गेट कितना अच्छा है दोस्तों। इसमें कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां बना रखी हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, हम मंदिर के अंदर चल के देखते हैं मंदिर कैसा है। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है गेट। आप देख सकते हो ऊपर घोड़े हैं, रथ पर बाबा बैठे हुए हैं और कितने दो हाथी लगे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर गाय हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, कितना अच्छा और अद्भुत मंदिर है दोस्तों ये। और अंदर और भी दोस्तों शानदार है, मैं भी अंदर आपको ले चल के दिखाऊंगा दोस्तों। जब आप गेट के अंदर जाएंगे तो आपको पहले ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अंदर कई सारे शिवलिंग है दोस्तों, आप देख सकते हो एक लाइन से शिवलिंग है। आप पहले यहाँ पर शिव जी के दर्शन करेंगे। आप ये नंदी जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा है यहाँ पर। ये देखिए बगल में हनुमान जी की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति है। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा चित्रण कर रखा है इस मंदिर में। कितने अच्छे अच्छे चित्र भगवान जी के बना रखे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये कृष्ण भगवान हैं। ये देखिए, तो ये शिव जी पार्वती हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर आप बच्चों के साथ आएंगे तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इन छोटी छोटी तस्वीरों को देखकर, भगवानों के इन कलाकृतियों को देखकर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। नीले घोड़े पर आप देख रहे हो बाबा मोहन राम जी बैठे हुए हैं दोस्तों। मेरे साथ मिलकर एक बार बोलें, श्री बाबा मोहन राम जी की जय। यहाँ पर राम जी का परिवार है दोस्तों। आप देख सकते हो इस मंदिर में अभी काम चल रहा है। इस मेन मंदिर में बाबा मोहन राम जी की अखंड जोत चलती है। आप देख सकते हो ये जोत जल रही है दोस्तों। अभी मंदिर ये बन रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अखंड दिव्य ज्योति है ये, जो हमेशा जलती रहती है, कई सैकड़ों वर्षों से जल रही है। और बाहर जब मंदिर के बाहर आप आएंगे तो माता जी की मूर्ति है, दुर्गा माता जी की। यहाँ पर लोग साड़ियाँ चढ़ाते हैं माता जी को। मंदिर के दूसरी तरफ भगवान बजरंग बली की मूर्ति है दोस्तों, आप देख सकते हो ये है। और ये देखो मंदिर अभी बन रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, स्टेचू बना रखे हैं गोपियों के। कृष्ण भगवान पेड़ पर बैठे हुए हैं, ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ शेषनाग जी हैं, काफ़ी अच्छा चित्रण कर रखा है दोस्तों। ये देखिए जी कृष्ण भगवान जी को, ये देखिए दोस्तों, ये बैठे हुए हैं कृष्ण भगवान जी। और यहाँ पर सारी गोपियाँ हैं दोस्तों। इस मंदिर से अब मैं जाऊँगा मनसा देवी चौक,
जहां बाबा मोहन राम जी का तीसरा मंदिर है। इस मंदिर से मनसा देवी चौक की दूरी 1 किलोमीटर है। आप चाहें तो पैदल भी पहुंच सकते हैं। यहां के शेयरिंग टेम्पू से आप 10 रुपये देकर भी वहां पहुंच सकते हैं। मनसा चौक के किनारे ही बाबा मोहन राम जी का मंदिर है। दोस्तों, यह है मनसा चौक का श्री मोहन राम जी मंदिर। आप देख सकते हो दोस्तों, कितना सुंदर ये मंदिर है। यहाँ पर कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है। बाबा मोहन राम जी को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। देखिए दोस्तों, कितना ऊंचा ये मंदिर है। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। दोस्तों, मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों, ये अखंड ज्योत जल रही है बाबा की। यहाँ आप बाबा की ज्योत के सामने बैठकर इस मंदिर में कुछ समय शांति से बिता सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों, इस ज्योत को जब दोस्तों आप देखोगे तो आपको अंदर कुछ अलग ही फीलिंग मिलेगी। दोस्तों, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो, ज्योत के बगल में ही प्रसाद का पात्र है। यहाँ पर श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने घर के लिए भी यहीं से प्रसाद ले जाते हैं। अब यहाँ से दोस्तों मैं जाऊँगा सेंट्रल पार्क, जो भिवाड़ी का सबसे प्रसिद्ध गार्डन है। तो यह है भिवाड़ी का सेंट्रल पार्क। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर पार्क है ये। दोस्तों, जब आप पार्क के अंदर एंट्री करोगे तो आपको सबसे पहले ये खूबसूरत सा झरना दिखाई देगा। दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत सा झरना है ये। आप यहाँ पे जॉगिंग वॉकिंग भी कर सकते हो। दोस्तों, फैमिली के साथ आप यहाँ पे कुछ समय टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए कई प्रकार के झूले भी हैं। यहाँ बच्चे झूले भी झूल सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये गार्डन है। दोस्तों ये गार्डन भिवाड़ी के तीनों बाबा मोहन राम मंदिर के पास में ही है। बाबा मोहन राम मंदिर काली खोली से ये गार्डन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मनसा चौक वाले बाबा मोहन राम मंदिर से यह गार्डन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गार्डन हरिनाथ चौक के किनारे स्थित है। इस सेंट्रल गार्डन के सामने बाबा का तीसरा मंदिर बाबा मोहन हरिनाथ मंदिर स्थित है। सड़क के एक तरफ ये गार्डन है और दूसरी तरफ बाबा का मंदिर है। दोस्तों, नाइट में गार्डन और भी अच्छा लगता है। अगर आप नाइट में इस गार्डन में आते हैं शाम के 7 बजे के आसपास, दोस्तों आप यहां पर सेल्फ़ी ले सकते हो। दोस्तों, देख सकते हो कितना अच्छा है यहां पर, आई लव भिवाड़ी। यहां पर आप दोस्तों फोटोग्राफी भी कर सकते हो। दोस्तों, नाइट के समय में यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है इस गार्डन में। शाम के समय आपको यहाँ पर लोग सेल्फ़ी ही लेते नज़र आएँगे। दोस्तों अब यहाँ से मैं वापसी दिल्ली जाऊंगा अपने घर। दोस्तों, इस गार्डन से भिवाड़ी का बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यह है भिवाड़ी का बस स्टैंड। यहां से दोस्तों आपको भिवाड़ी के आसपास शहरों के लिए आपको यहां से बस मिल जाएंगी। इसके आसपास शहर हैं जैसे दिल्ली, अलवर, जयपुर। और दोस्तों, अगर आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के लिए दोस्तों यहाँ से आपको हर आधे घंटे में 15 मिनट में आपको दिल्ली के लिए यहां से बस दोस्तों मिल जाएंगी। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम की जय हो।